आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर बटर मसाला, वो भी बिना अनियन और बिना गार्लिक के। जी हाँ, बिना प्याज और लहसुन से आज हम बनाएंगे बहुत ही बढ़िया पनीर बटर मसाला, क्योंकि अब आने वाले हैं नवरात्रि और उस टाइम पर हमें कुछ इस तरह की डिशेस की जरूरत होती है जिसमें कि लहसुन और प्याज का यूज नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं ये बढ़िया सा पनीर बटर मसाला। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विभा और चलिए शुरू करते हैं द मैजिक ऑफ फूड। तो पनीर बटर मसाला बनाने के लिए यहाँ सबसे पहले मैंने एक पैन में लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल, 1 और इसके साथ इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच बटर का, क्योंकि पनीर बटर मसाला बना रहे हैं तो बटर तो बनता ही है। और इसी के साथ डालेंगे हम इसमें 1 चम्मच जीरा, इसे हल्का सा तड़कते देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी काली इलायची यानी मोटी बड़ी इलायची, 1 इंच डालेंगे हम दालचीनी के टुकड़े का, 4 से 5 डालेंगे हम हरी वाली इलायची और 2 डालेंगे तेज पत्ता और इसी के साथ डालेंगे 5 से 6 लौंग। हल्का सा इन्हें पकाएंगे, हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे उतना हमें इसे पकाना है। और अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। यहाँ पे मैंने 4 बड़े साइज के टमाटर लिए हैं और इन्हें रफली चॉप किया है और इसको भी हम इसमें डालेंगे। और इसी के साथ डालेंगे हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 2 डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। हरी मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। और अब बारी आती है इसमें डालने की काजू और मगज की। ये दोनों ही चीजें मैंने पहले से भिगा के रखी थी, इन्हें 1 घंटे के लिए हम भिगा देंगे और फिर हम इसे यूज करेंगे। और हल्का सा डालेंगे इसमें नमक और इसको ढककर अब हम पकाएंगे। करीबन 5 मिनट लगेंगे इसे पकने में और ये अच्छे से गल जाएगा टमाटर। देखिए टमाटर अब यहाँ पे पूरी तरीके से गल चुका है, मसाला अच्छा पका हुआ लग रहा है। और अब हम इसे पूरी तरीके से ठंडा भी करेंगे क्योंकि आगे हमें इसे करना है ग्राइंड। तो अब इस मसाले को हम अच्छे से ठंडा करेंगे। गरम गरम मसाले को अगर हम पीसने की कोशिश करेंगे तो हमारे जार के ढक्कन का जो हाल होगा वो हम सबको ही पता है। तो अब हमारा मसाला पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है और इसे ट्रांसफर कर लेते हैं हम एक ब्लेंडिंग जार के अंदर। और साथ में डालेंगे इसमें थोड़ा पानी, करीबन 1/2 कप करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। इसे बहुत ही फाइन ब्लेंड करना है यानी एकदम बारीक हम इसे पीसेंगे, कोई किसी भी चीज का इसमें दाना नजर नहीं आना चाहिए। तो अच्छे से हम इसको पीसेंगे। लीजिए हमारा जो मसाला है वो बहुत अच्छे से पीस के तैयार हो चुका है और अब हम चलते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें डाला है थोड़ा सा ऑयल और इसी के साथ डालेंगे हम इसमें 1 बड़ा चम्मच बटर का यानी मक्खन का। और अब हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, यहाँ पे मैं लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और 1 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर कश्मीरी लाल मिर्च, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च दिखी नहीं होती है तो इसलिए हमने लाल मिर्च पाउडर भी यूज किया है। और डाला है 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच डाला है धनिया का पाउडर। अच्छे से इसे पकाएंगे, फ्लेम यहाँ पे एकदम लो रहेगी, मिर्ची बिल्कुल जलनी नहीं चाहिए। और अब हम अपने टमाटर के मिक्स को जो हमने पीस के तैयार किया था उसे अच्छे से छान लेंगे। इसको यहाँ पे छानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, छानने से जो इसका जितना भी मोटा वाला रेजिड्यू है वो बच जाएगा, उसे हम डिस्कार्ड कर देंगे, जिससे कि हमारी ग्रेवी है वो बहुत ही फाइन बनेगी, बहुत ही स्मूथ बनेगी, एकदम सिल्की स्मूथ हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो अच्छे से हम इसको छान लेंगे। देखिए इसमें से जितना भी रेशा है टमाटर का और इलायची का ये एकदम अलग हो चुका है और अच्छे से हम इसे निकाल लेंगे। नीचे से भी मसाले को छलनी के नीचे से निकाल लेंगे अच्छे से। और अब हमारा ये मसाला तैयार है पकाने के लिए। इसे हल्का सा पकाएंगे हम, यहाँ पे फ्लेम हम अपनी कर देंगे मीडियम और
इसको थोड़ा सा कुक करेंगे, करीबन 1 से 2 मिनट के लिए हम इसे यहाँ पर पकाएंगे। लगातार चलाते हुए पकाना है इसे, बिल्कुल भी छोड़े नहीं, नहीं तो बॉटम में चिपक जाएगी। तो लगातार चलाते हुए हम इस मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए कितनी सिल्की स्मूथ ये ग्रेवी लग रही है, लेकिन थोड़ी गाढ़ी लग रही है। तो अब हम इसमें पानी मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हम करीबन 1/2 कप पानी और डालेंगे, और अब हमारी ग्रेवी थोड़ी बेटर नजर आ रही है। 1/2 कप पानी डालने के बाद इसे और थोड़ा पकाएंगे 1-2 मिनट के लिए। और अब हम इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे। 5 मिनट के बाद हमारी जो ग्रेवी है वो अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है ग्रेवी। हल्का से इसे चलाएंगे। और अब बारी आती है इसमें क्रीम डालने की। तो यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच फ्रेश क्रीम यूज की है। आप चाहे तो घर की मलाई को अच्छे से फेंट कर भी यूज कर सकते हैं। अच्छे से मलाई को ग्रेवी में मिक्स करेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे किचन किंग मसाला। नमक हमने पहले से ही डाला है, लेकिन टेस्ट के अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा नमक और ऐड करेंगे। अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे मसालों को। और अब हम इसमें डालेंगे पनीर। यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया है, जिन्हें क्यूब्स में कट कर लिया है। और इस पनीर को बहुत ही हल्के हाथों से बहुत ही जेंटली हम ग्रेवी के अंदर मिक्स करेंगे, ताकि पनीर के पीसेस टूटे नहीं। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है हमारी ग्रेवी। तो अच्छे से हमें इसे मिक्स करना है और अब हम इसे पकाएंगे। इसे लो फ्लेम पर हमें 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के बाद हमारी जो पनीर है वो थोड़ा सा कुक हो चुका है। कितना बढ़िया लग रहा है ये, बहुत ही टेस्टी ये ग्रेवी बनके तैयार होती है। आपको पता भी नहीं चलेगा ये बिना अनियन और बिना गार्लिक के बनी है। और अब हम इस पर डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी का पाउडर। अच्छे से इसको भी हम इसमें मिक्स करेंगे। अक्सर व्रत के दिनों में हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या चीज स्पेशल बनाएं जो हमारी बिना प्याज और लहसुन के बन जाए। तो आप ये सब्जी जरूर ट्राई कीजिएगा। अब नवरात्रों के दिन तो आ ही रहे हैं, तो जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये बहुत पसंद आएगी। और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और लीजिए तैयार है हमारी बहुत ही बढ़िया पनीर बटर मसाला, जो कि बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनती है, आपको मालूम भी नहीं चलेगा। और आप अब हमेशा से ही बिना प्याज और लहसुन के इस तरह का पनीर बटर मसाला बनाएंगे। और इसे गार्निश करेंगे हम हरे धनिया की पत्ती के साथ, और ऊपर से डालेंगे थोड़ी सी फ्रेश क्रीम। और तैयार है हमारा टेस्टी सा पनीर बटर मसाला। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी ये। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।